नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, 18 मार्च धुलेटी वाले दिन, मतलब कि होलिका दहन के दूसरे दिन, शुक्रवार के दिन करना है। दिन शुक्रवार का है और पूनम है, मतलब दोनों ही दृष्टि से ये दिन है लक्ष्मी नारायण का, भगवान नारायण का और माता लक्ष्मी का। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, ये उपाय आपको सोते समय करना है। सोते समय उपाय मैं इसलिए बताती हूँ कि सोते समय इंसान सारे कामों से निवृत्त हो जाता है, तो उसका मन उन मंत्रों में रम जाता है जिसका वो उच्चारण कर रहा है या जिसका वो ध्यान कर रहा है, तो उस मंत्र की शक्ति को वो बहुत जल्दी जगा पाता है। अन्यथा कोई भी मंत्र है, हाँ, सिवाय कि वशीकरण के हैं, मारण मोहन उच्चाटन के हैं या अपराध को सिद्ध करे, अन्यथा जो भी लक्ष्मी के हैं, हाँ, लक्ष्मी की पूजा भी वैसे तो शाम को ही होती है, शाम को ज्यादा फलती है, रात की पूजा ज्यादा फलती है, लेकिन और कोई भी पूजा है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप किसी भी मंत्र को जगाते हैं तो उसकी शक्ति बहुत पावरफुली काम करती है। लेकिन रात के समय इसलिए क्योंकि रात का समय बहुत शांत होता है, और ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये माता लक्ष्मी का ही है, इसके लिए इसको आपको रात को सोते समय करना है। मन को बिल्कुल शांत करके फिर आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। 18 मार्च होली वाले दिन, और यदि आप इस उपाय को होली वाले दिन ना भी कर पाए तो कोई भी शुक्रवार हो उस दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन, पूनम के दिन, तेरस के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, जब भी मतलब शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात आप खा पी करके बिल्कुल मतलब फ्री हो जाए, हर काम से फ्री हो जाए, बिल्कुल वो समय पसंद करें जब आपके सोने का समय हो, ठीक है। आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, हल्दी को आपको घी में मिला लेना है। घी आपके घर का धन और ऐश्वर्य बढ़ाता है, और हल्दी माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए आमंत्रित करती है। घी और हल्दी का दोस्तों यदि आप स्वस्तिक भी अपने दरवाजे पर बनाते हैं तो उससे भी लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर कृपा बरसती है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गुरुवार के दिन दोस्तों 3 स्वस्तिक यदि आप अपने दरवाजे पर घी और हल्दी के बनाते हैं तो हमेशा आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सोते समय आप थोड़ा सा घी और हल्दी दोनों चीजों को आप मिक्स कर लें, अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा ले लें, लेकर के इसको नाभि पर लगा लें। नाभि दोस्तों वो प्लेस है जहां लक्ष्मी नारायण का वास होता है। नाभि में वो शक्ति है जो आपके पूरे शरीर में, जो भी चीज आप नाभि पर अप्लाई करेंगे पूरी बॉडी में वो चीज पहुंच जाती है। आपकी बॉडी जैसी होगी, जैसे जिन लोगों की बॉडी गुरु प्रधान है, जिनके शरीर पर गुरु का असर है, उनका मन भी वैसा होता है, उनकी बुद्धि वैसी होती है और वैसे ही उनके कर्म बन जाते हैं, है ना। नाभि पर आप जिस चीज को अप्लाई करते हैं, जैसे आप चंद्र प्रधान चीजों को अप्लाई करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी चंद्र प्रधान बनती है। जिनके भी चंद्र कमजोर है उनको दोस्तों हमेशा नाभि पर पिसे हुए चावल या सफेद अभिन जरूर लगाना चाहिए, या फिर कच्चा दूध नाभि पर हर सोमवार अप्लाई करें। कोई भी टेंशन होगा जो चंद्र से जुड़ा हुआ होगा, आपका मन दूषित रहता है, दुखी रहता है, डिप्रेशन में रहता है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि नाभि वो चीज है जहां से आपका पूरा शरीर बना है। नाभि में ही वो नाड़ जुड़ी होती है जो माता के शरीर से भोजन को खींच करके ला करके आपके पूरी बॉडी में पहुंचाती है और बॉडी का विकास करती है ना। तो नाभि पर जब आप
हल्दी और घी लगाते हैं तो दोनों ही चीज सीधे आपकी पूरी बॉडी को लक्ष्मी प्रदान बनाती है। इसको लगा करके आप लेट जाएं, लेट करके आप मन ही मन बोले ओम श्रीम श्रीये नमः। क्या बोलना है? ओम श्रीम श्रीये नमः। दोस्तों ये मंत्र है माता लक्ष्मी का। इस मंत्र में लक्ष्मी की रणकार है। मन ही मन इसको जितना ज्यादा बोल सकते हैं उतनी ज्यादा देर आप इसको बोलते रहें और उसके बाद में आप सो जाएं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। इसको एक शुक्रवार नहीं और भी, जैसे कि 3 शुक्रवार, 6 शुक्रवार, 9 शुक्रवार, 11, 16, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। वैसे आप कुछ ही शुक्रवार में इसका रिजल्ट देखेंगे और इस बार तो होली भी है तो और भी ज्यादा ये पावरफुल दिन है, तो होली के दिन से इसकी शुरुआत करें या फिर और किसी दिन कर पाए या ना कर पाए, होली के दिन तो जरूर करें आप इस उपाय को। इससे दोस्तों कई जन्मों के जो आपके आपके जो लक्ष्मी आपके पास नहीं आने के जो योग बन जाते हैं, जिससे दरिद्रता उत्पन्न होती है, गरीबी उत्पन्न होती है, वो तमाम दुष्ट योग दूर होते हैं और लक्ष्मी आने के योग बन जाते हैं और माता लक्ष्मी आपके पास आना शुरू हो जाती है। तो छोटा सा काम है दोस्तों, सोने से पहले आज के दिन जरूर कर लें। उपाय को करते रहें और खुश रहें। कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य।